एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर प्रियंका। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड अपने लाइफ में बिजी होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एंड अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो काफ़ी बिजी भी चल रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अपने होम टाउन जा चुके होंगे एंड मुझे सही में उनसे भी थोड़ा सा एनवी फील हो रहा है, बट कोई नहीं, मैं अभी जाकर आई हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना वीकेंड ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ कि मोस्टली हमारा जो वीकेंड जाता है वो कैसा जाता है जब हम घर में हों और कुछ ऐसा स्पेशल ना कर रहे हों, तो कैसा जाता है हमारा वीकेंड। तो ऑब्वियसली दिन की शुरुआत थोड़ी लेट होती है और मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने, और आज हमें मन हुआ मसाला मैगी खाने का एंड श्रेयांश नॉर्मल मैगी खा रहा है तो मैं बना रही हूँ मसाला मैगी एंड सूरज गए हैं जिम, तो उनके आते आते तक ब्रेकफास्ट एंड चाय बहुत रेडी हो जाएगी। तब तक मैं थोड़ा सा अपना लिविंग रूम क्लीन कर लूँ। और ऐसा आजकल हो गया है कि हम जो हैं वो वीकेंड में हमारा जो अड्डा है, कह सकते हैं हैंग आउट अड्डा, जो वो टीवी के सामने हो गया है। तो थर्सडे को हम मैट्रेस ले आते हैं एंड थोड़ा सा लेटते हम जाते हैं, थोड़ा टीवी देखते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। तो ऐसा हो गया है तो थोड़ा सा नयापन भी हो जाता है कि चलो आज बेडरूम में नहीं, नॉर्मल रूटीन की तरह सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ हो गई है। तो श्रेयांश भी उठ चुका है, वो फ्रेश हो चुका है एंड बैठ चुका है अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं वो मुझे जानते होंगे कि मेरा वीकेंड में बहुत ज़्यादा सफाई नहीं होती है। मैं थर्सडे को पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ, मैंने उस घर में वीडियो बनाया था, मैं जल्दी इस घर में भी थर्सडे डीप क्लीनिंग की वीडियो बनाऊंगी, बट उससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो ड्यू हैं, तो उसके बाद ही वीडियो आएगी। तो सूरज भी आ चुके हैं अभी जिम से, तो हम करेंगे ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट श्रेयांश का ब्रेकफास्ट तो ख़त्म हो चुका है, तो देखते हैं चलिए ब्रेकफास्ट के बाद क्या करते हैं। हाँ ठीक है। वेरी नाइस। ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा श्रेयांश के स्टडी का टाइम है, तो मैं और श्रेयांश दोनों ही कुछ ना कुछ स्टडी करेंगे। और ये टाइम जो होता है, मैं हमेशा कभी हमें बाहर ना जाना हुआ तो मैं और श्रेयांश ज़रूर बैठते हैं यहाँ पे, या फिर कभी उसको मन होता है तो वो डैडी के साथ भी बैठ जाता है। बट मोस्टली जो उसके एकेडमिक स्टडी रिलेटेड चीज़ें हैं वो मैं देखती हूँ, एक्स्ट्रा में जो भी स्टडी कराना हुआ, कभी इंसाइक्लोपीडिया से या कुछ अलग सा कुछ बताना हुआ तो सूरज बैठते हैं। वो बहुत कम दिन हो पाता है तो वो मेरे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड डैडी का मतलब उसके लिए सिर्फ प्लेइंग होता है, उसको सिर्फ खेलना होता है डैडी के साथ। तो श्रेयांश पूरा फ्रेश हो चुका है, लाइक उसने बाद भी ले लिया है, तो मेरा भी बाकी है, वो मैं अपना पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही करूँगी। तो अभी तो मैं 1 आवर्स के लिए श्रेयांश के साथ बैठने वाली हूँ, फिर जाऊँगी किचन में।
और मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। और लंच हमारा आज बहुत ही सिंपल एंड ट्रेडिशनल होने वाला है। तो मैं बना रही हूँ आज जो हरे मटर की झोर, हम लोग झोर कहते हैं, आप उसको काइंड ऑफ दाल या ग्रेवी कुछ भी कह सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ऐसे क्या कहा जाता है, हम लोग उसको मटर का झोरी कहते हैं और बैगन भाजा, बैगन का लाइक भाजा कह सकते हैं हम लोग, भाजा कहते हैं। और साथ में चोखा, जो पोटैटो का स्मैश पोटैटो कहते हैं वो है, तो और राइस, तो ये बनने वाला है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में मैंने एक टू मीडियम साइज टमाटर एंड वन मीडियम साइज अनियन को ग्राइंड कर लिया था एक स्मूथ पेस्ट में। वो मैं मस्टर्ड ऑयल में जीरा के तड़के के साथ उसको फ्राई करने के लिए डाली हूँ। और साथ में मैं बैगन भाजा के लिए यहाँ पे ये बड़े वाले जो एग प्लांट होते हैं उसको मैं सर्कुलर इस तरीके से कट कर लूँगी। इवनली होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो सारे एक इवनली होंगे तो एक साथ पक जाएंगे। जो तब तक टोमेटो अनियन का पेस्ट फ्राई हो रहा है तब तक मैं बैगन भाजा के लिए मसाला प्रिपेयर कर लूँगी। तो यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट, उसमें डाला है क्यूमिन पाउडर जो कि 1 टीस्पून है, एंड थोड़ी सी हल्दी एंड लाल मिर्च जो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, एंड नमक। इसको मैं थोड़ा सा पानी के साथ इसका जो है एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। अब चाहे तो इसमें आमचूर भी यूज कर सकते हैं, बट मैं बैगन भाजी के ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करूंगी तो मैं यहाँ पे आमचूर यूज नहीं कर रही हूँ, आमचूर ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये मेरा टोमेटो अनियन फ्राई हो चुका है, तो इसमें सारे मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है क्यूमिन पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड गार्लिक का पेस्ट। मैं यहाँ पे कोरिएंडर पाउडर नहीं डाल रही हूँ, तो क्यूमिन पाउडर मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाला है एंड गार्लिक का पेस्ट भी 1 टीस्पून एंड लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। तो ये इसको अब मसाले को मैं अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। और इसका जो ग्रेवी है वो थिक बनाने के लिए दो तरीके की चीज़ें होती हैं, तो मैं पोटैटो यहाँ पे डालूंगी, आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं ग्राम फ्लावर का घोल बनाकर। और यहाँ पे इस तरीके से जो एग प्लांट मैंने कट किए थे उसके ऊपर जो मसाला मैंने तैयार किया था उसको इस तरीके से लगाना है एंड सैलो फ्राई करना है बहुत ही कम तेल में। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत जल्दी बन जाता है। और इसको ढककर छोड़ना है मीडियम आँच पे, तो ये हार्डली 5 to 10 minutes में ये बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत यम्मी लगता है एज अ साइड डिश। तो हम जब भी इस टाइप की चीज़ें बना रहे होते हैं तो मैं साथ में ये बना लेती हूँ फटाफट। और यहाँ पे मसाले भी मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ पोटैटो को बॉईल करके और मैश करके रखी थी। इस जो भी मसाला मैंने फ्राई किया है उसमें मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर दूँगी और इसको भी 3 to 4 minutes के लिए फ्राई करूंगी। एंड इसके बाद इसमें मैं वाटर ऐड करूंगी एंड थोड़ा सा गरम मसाला, एंड ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और मैंने पहले ही ये डाल के बॉईल करके रख लिया था मटर, जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तभी मैंने मटर बॉईल करके रख लिया था। अगर आप फ्रोजन मटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको बॉईल करने की ज़रूरत है फ्रेश मटर। और इसमें पानी डालकर मैं इसको ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी, तब तक मेरा बैगन भाजा भी बनता रहेगा। तो ऑलमोस्ट आज का मेरा लंच फटाफट रेडी हो चुका है, ये भी बस होने वाला है, इसमें भी अच्छे से उबाल आ चुका है, तो ये मेरा रेडी हो चुका है और लंच मेरा बिल्कुल रेडी है। तो ऊपर से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बैगन भाजे में चाट मसाला डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। एंड कोरिएंडर लीफ ऑब्वियसली एक बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग टच देता है। तो आज का मेरा ये यम्मी यम्मी सा लंच बिल्कुल बनकर तैयार है, मटर का झोर या मटर की दाल आप कह सकते हैं, बैगन भाजा, अनियन, पोटैटो का चोखा एंड राइस। और चलिए देखते हैं श्याम चंद सूरज का क्या हो। तो यहाँ पे निशानेबाजी की प्रैक्टिस हो रही है। Wow! I said, and I did. No, how did you do it? Wow! 60.
और वापस से मैं आ गई हूँ किचन में, और अभी मोस्ट डिफ़िकल्ट काम बचा है वो है किचन की क्लीनिंग, पूरा किचन क्लीन करना है। तो चलिए पहले गैस ओवन से स्टार्ट करते हैं। तो आज रात में हमें जाना है बाहर, मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है तो वहीं पे हमारा डिनर हो जाएगा, तो कुछ बनाना है नहीं। तो मैं जितने भी स्पॉन्जेस हैं, स्क्रबर हैं, सबको अभी डिसइंफेक्ट करने डाल दूँगी। एंड इसके लिए मैं यूज़ करूँगी हॉट वाटर जो कि टैप में ऑलरेडी आ रहा है, एंड वेनेगर एंड सिप सोप, डिशवॉशिंग सोप वो यूज़ करूँगी, और किचन वाइप्स एंड टॉवल को मैं डिटॉल के सॉल्यूशन में डालकर छोड़ दूंगी 1 आवर के लिए। देन उसके बाद उसको खाने के बर्तन के साथ, लंच के बर्तन के साथ क्लीन कर लूंगी। ऑलमोस्ट बच चुके हैं 2:30 अराउंड हो चुका है, तो अब होता है लंच करने का टाइम। मैं नहाकर आ चुकी हूँ, अनसूरज भी बाकी लिए है, तो चलते हैं फटाफट लंच करने। तो ये है आज का हमारा लंच, राइस मटर की दाल जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया। तो लंच के बाद श्रेयांस थोड़ा सा सोएगा, थोड़ा सा वो रात को लेट सोया तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो श्रेयांस यहाँ पे सोएगा एंड मैं भी उसके साथ थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। एंड सूरज को जाना है बाहर, तो वो जाएंगे बाहर, कुछ काम है 1.5 आवर की, तो हम लोग बेडरूम में जाकर नहीं सोने वाले, क्योंकि बेडरूम में जाकर सोने का मतलब होता है कि 2 आवर्स की नींद तो आ ही जाती है खाना वाना खा कर सो। तो मैं और श्रेयांस बाहर ही आज रेस्ट करने वाले हैं। और शाम में हम निकल चुके थे, एक्चुअली मेरी फ्रेंड की बेटी का बर्थडे था, तो उसने जो पूरा बर्थडे है ऑर्गेनाइज़ किया था फंकी मंकी। तो मैं और अमृता, रुद्रा, सूरज एंड श्रेयांस सब निकल चुके हैं, रंजीत आउट ऑफ टाउन थे तो वो नहीं जा रहे हैं। और बाहर निकलने से पहले, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन से पहले बच्चों की पैकिंग चल रही थी, क्योंकि आजकल का वेदर तो कह नहीं सकते, कभी ठंडी, कभी बारिश, कभी गर्मी, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे बुर्ज खलीफा का जो व्यू था इतना अच्छा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वहीं पर रुक के और सूट किया, लाइक अराउंड 7 o'clock होने वाले थे, बट काफ़ी अच्छा व्यू था। और हम बन चुके हैं फंकी मंकी जो कि सेठ चाँद रोड पे है, मेट्रो स्टेशन, 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में है एक्चुअली, बिजनेस बे के अराउंड एंड आई थिंक दुबई मॉल जो का जो स्टेशन है वहाँ पे। तो ये देख सकते हैं बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, तो यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी मस्ती एंड फिर घर के लिए निकल जाएंगे। Thank you.
15, 16, 17, 18, 19, 19! हम लोग घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद ऑलमोस्ट 9:30 हो रहे थे, तो हमें कॉफ़ी पीने का मन हुआ, तो हम कॉफ़ी लेकर बैठ गए हैं और ओब्वियसली कुछ ना कुछ मूवीज़ देखने वाले हैं। आई डोंट नो क्या देखने वाले हैं। श्रेयस पे बैठा हुआ है, वो थोड़ा सा गेम खेलेगा, देन हम लोग साथ में मूवीज़ देखेंगे, कोई मूवी देखेंगे। तो ये था आज का हमारा वीकेंड और ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो गिव अ बिग थम्स अप। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।